हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं टेक तुषार। तो दोस्तों, पहले आपने देखा होंगे कई सारे फोन्स में पॉपअप कैमरा आ रहे थे। एक दौर चला था कि पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन भैया लाए जा रहे थे, एंड वन प्लस ने भी लाए थे, एंड ओप्पो ने, वीवो ने, इन्होंने फ़ोन चलाने शुरू करे थे, रेडमी ने भी फ़ोन लाने शुरू करे थे पॉपअप कैमरा वाले, लेकिन ये फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? कंपनीज ने पॉपअप कैमरा क्यों बंद कर दिया? और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि कैमरा अंदर रहेगा जब उसको काम नहीं होगा, और जब काम करना होगा, सेल्फी लेनी है, तो भाई साहब ऊपर आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी और मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों ये कंपनीज ने खत्म कर दिया लाना पॉपअप कैमरा, और क्यों ये फेल हो गई। तो पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 1K के बहुत करीब हैं। और हाँ, दूसरी बात, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे पहले व्यूअर्स भी हैं, तो हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारे वीडियोस कैसी लगती है, या फिर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव करेंगे। हमसे बेहतर तो आप वीडियोस देखते हो, आप ज़्यादा जानते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज तो बहुत कम है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो एडवांटेज की बात करता हूँ। तो सबसे पहले एडवांटेज, यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा फ्यूचरिस्टिक सा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, कि भाई डिज़ाइन इतना बढ़िया देखने को मिलता था कि भाई कैमरा ऊपर आएगा और नीचे जाएगा। एंड सेकेंडली, यहाँ पर फुल स्क्रीन देखने को मिल रही थी, मतलब पूरी फुल स्क्रीन, एंड कैमरा इंटरप्ट नहीं करता, जैसे कि अब नोच वगैरह रहती है ना, इन डिस्प्ले आती है, एंड वाटर ड्रॉप नोच जो रहती है वो नहीं होकर पॉपअप कैमरा होता था, तो फुल स्क्रीन देखने को मिल जाती थी हमें। एक ये एडवांटेज है। दूसरा, मैंने बता दिया कि डिज़ाइन में हमें थोड़ा सा बढ़िया एंड फ्यूचरिस्टिक सा देखने को मिलता था, एंड काफ़ी बढ़िया लगता था, मुझे भी काफ़ी तगड़ा लगता था। और अगर आपको भी अच्छे लगते थे, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थे एडवांटेजेस इसके, मतलब एडवांटेजेस तो बहुत कम है, एक दो होंगे भी। पॉपअप कैमरा की वजह से यार फ़ोन मतलब बेकार हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, चलिए बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले ये मैकेनिकल होता था, मतलब कोई फ़ोन में कोई चीज़ मोटर के थ्रू ऊपर नीचे होती थी, और उसमें एलिमेंट्स लगते थे। तो भाई देखो, एलिमेंट्स लगेंगे, मोटर लगेगी, और भाई कई सारी एलिमेंट्स लगते थे इसको ऊपर नीचे करने में, एंड सेंसर से लगते थे। देखो भाई, जैसे कि कोई मैकेनिकल चीज़ है, जैसे कि हमारी गाड़ी है वो मैकेनिकल है, एंड उसको हर बार सर्विस चाहिए होती थी, लेकिन भाई यहाँ पर सर्विस नहीं मांगते थे, एंड कभी भी वो ख़राब हो सकती थी। चलो इस बात को साइड में रखो, कंपनी क्लेम करती थी कि भाई साहब हमने इसको कई लाख बार टेस्ट किया है, कई बार मतलब ऊपर नीचे पॉप अप एंड पॉप डाउन करके देखा है, ये कंपनी क्लेम करती थी। लेकिन भाई सिचुएशन कंपनीज की अलग रहती थी, कि वहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई रहती थी, सिर्फ वहाँ वेट वगैरह एंड गिरा कर देख लेते थे, लेकिन रियल लाइफ में अलग रहती है सिचुएशन। जैसे भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से गिर जाता था फ़ोन, तो भाई टूटने की दिक्कत हो सकती थी, तो उसको ख़राब होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती थी। वैसे मतलब जो लोग बाग सोचते हैं, वैसे कंपनी क्लेम करती है कि हमने कई सारे चीज़ें इस पर टेस्ट वगैरह किए हैं, लेकिन रियल लाइफ में अलग रहती हैं वो चीज़ें, और कंपनी में अलग। चलो इस बात को साइड रखते हैं, बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। जब ये एलिमेंट्स वगैरह लगेंगे एंड मोटर वगैरह लगेंगी, तो भाई थोड़ा सा फ़ोन मोटा भी हो जाएगा भाई, एंड फ़ोन मोटा हो जाएगा तो भाई आजकल किसको पसंद है फ़ोन मोटे मोटे, एंड पतला फ़ोन चाहिए होता था, तो फ़ोन बन जाते थे मोटे इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स लगते थे इतने सारे। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े, क्योंकि मोटा तो हो गया, अब मोटे के साथ साथ भाई देखो एलिमेंट्स वगैरह लगते हैं, मोटर वगैरह लगते हैं, तो भाई बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आप जितनी बार भी कैमरा ओपन करोगे, कैमरा क्लोज करोगे, उतनी बार भाई बैटरी ज़्यादा पिएगा फ़ोन, एंड उसकी वजह से बैटरी भी ज़्यादा, मतलब आपकी उसमें बैटरी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंपनी निकाल ले 7-8 हज़ार के फ़ोन और 18,000 mAh के फ़ोन भी निकाल दिए, मतलब बैटरीज जो है, लेकिन भाई लोगों को आजकल बैटरीज कम की बजाय ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाए और ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ना हो उन लोगों को, आज के लोगों को ऐसे बैटरी यार ज़्यादा चूसेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर, तो फ़ोन पूरे दिन चार्जिंग भी लगा रहेगा। तो ये थी इसकी फोर्थ बड़ी प्रॉब्लम। और दोस्तों, कंपनी ने क्लेम भी किया है कि अगर आपका फ़ोन जैसे नीचे गिरने वाला होगा ना, जैसे नीचे गिरेगा एकदम से उसका कैमरा चला जाएगा अंदर, मतलब पॉपअप जो कैमरा होता है वो अंदर चला जाएगा गिरने से पहले या टकराने से पहले। लेकिन भाई हर सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती, और जैसे फ़ोन गिर रहा है तो कैमरा बंद ही नहीं हुआ, तो भाई दिक्कत आ सकती है ना, तो वो डैमेज हो सकता है और उसमें भाई खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो इसकी वजह से ये फेल हुआ। ये सबसे मेन पॉइंट है कि भाई ये वाटरप्रूफ नहीं बना सकते थे, मतलब इसको बनाना एक नामुमकिन सा ही काम था, पॉसिबल नहीं था। वैसे पॉसिबल तो सब कुछ ही है,
एंड आजकल जिसने नहीं सोचा था कि स्मार्टफोन में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, इसको वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट बनाना नामुमकिन सा ही था, मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, मुश्किल काम था। अब अगर ये फोन्स वाटर प्रूफ नहीं होंगे एंड डस्ट प्रूफ नहीं होंगे, और आप लोगों को पता ही है इंडियंस या फिर किसी के हाथ में भी फोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, वो कई बार फोन्स को गिराता भी है, कितनी केयर भी कर ले वो फोन्स गिर ही जाता है एक दो बार, और भाई थोड़ी बहुत केयरिंग कम हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि रियल लाइफ में पानी वगैरह भी चला जाता है, एंड अगर आप थोड़ा ट्रैवलिंग भी करते हैं या फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर डस्ट भी हो, तो भाई दिक्कत हो सकती थी एंड फ़ोन ख़राब हो सकता था और वाटरप्रूफ नहीं हो सकते थे, वाटर रेजिस्टेंट या फिर डस्ट रेजिस्टेंट नहीं हो सकते थे फ़ोन, पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था लेकिन पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से एक दो साल में ही आने बंद हो गए फ़ोन, एंड आपने भी देखा होगा कितनी जल्दी बंद हो गए, आए और चले गए। कंपनीज क्यों चाहेंगे कि भाई हमारा फ़ोन बेकार हो जाए, एंड भाई कंपनी की कोई इज्जत भी रहती है, और भाई कंपनी क्यों चाहेंगे कि ये फ़ोन ऐसा हो जाए और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए, ऐसे फ़ोन निकले, तो कंपनी उसने बंद कर दिया। एंड ये फ्लैगशिप लेवल में भी नहीं आते, क्यों कि भाई कंपनीज अगर फ्लैगशिप लेवल में भी ये फ़ोन लाने लगी तो भाई उनका तो घाटा भी हो जाएगा एंड कंपनीज की रेपुटेशन का भी सवाल है, तो इसलिए ये बंद हो गए। एंड फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन इतने सारे आते हैं, जैसे कि लाख लाख के फ़ोन आते हैं, कंपनीज क्यों ही चाहेगी, क्योंकि कंपनीज को कोई एक कदम गलत नहीं उठाना होता, क्योंकि लाखों के फ़ोन रहते हैं और उसमें एक इतना सही मतलब फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में अगर इतनी सी भी चूक कर गई तो कंपनी की रेपुटेशन पे सवाल आ जाता है। तो इन सारों को बंद कर दिया गया पॉपअप कैमरे वालों को, एंड देखते हैं आगे आते हैं या फिर नहीं, और देखते हैं कि क्या होता है। और वहीं से अभी तक चालू है, अभी तक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में भी ड्रॉप नॉच कैमरा एंड कैमरे में ड्रॉप नॉच या इन डिस्प्ले कैमरा, मतलब आजकल के फ़ोन में तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं कि कैमरा दिखेगा ही नहीं, स्क्रीन के नीचे कैमरा आ चुका है एंड हल्का फुल्का दिखेगा, उस पर भी वर्क चल रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको सच्चाई पता लगी होगी पॉपअप कैमरे के बारे में, अगर नहीं पता था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर से कमेंट करना, क्योंकि भाई हमें भी पता होना चाहिए कि भाई कैसी लगती है आपको वीडियो, अच्छी लगती है या फिर नहीं, और आपको कैसी वीडियोस चाहिए, थोड़ी सी यार हाँ अपग्रेड करने की सोच रहे हैं कि आपके लोगों के द्वारा पूछी जाएगी हमारी वीडियोस कैसी हैं एंड आप ज़्यादा एनालाइज करते होंगे, तो अगर कुछ गलती की हो इस वीडियो में या फिर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी धांसू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।